नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सामा जाया क्या। जैसे कि उसकी काफी सारी वीडियोस आपके सामने हैं और होम पेज भी आपके सामने है, तो एक दो वीडियोस देख लीजिए, सभी लेटेस्ट हैं। आपको बता दूं, अगर चैनल अच्छा लगे और आपको लगे कि आपका हेल्पफुल है थोड़ा सा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब कि आज का टॉपिक। इंडियन एयर फोर्स में वैकेंसी निकली है, आपको बता दूं, ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए भारतीय वायु सेना जिसे हम कहते हैं, तो ये है उनका एड्रेस। यहां पे आपको ये जो फॉर्म है सेंड करना है, ऑफलाइन ये फॉर्म लगेगा, आपको बता दूं, ठीक है। ये काफी नीचे तक 10 11 20 तक ये जा रहा है, तो मैं आपको यहां से ही बता रहा हूं खाली, ठीक है। यहां ये सभी एड्रेस हैं, यहां पे जो भी स्टेशन आपके करीब है वहां पे आप ये सेंड कर सकते हैं। और आपका मन है भाई, आपकी डिजायर है, जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। चाहे आप झारखंड में रहते हैं तो दिल्ली में अप्लाई, दिल्ली में सेंड करना चाहते हैं तो दिल्ली में कर दीजिए। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, पहले ही बता दूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसकी एज लिमिट, फिर आगे बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और किसी और का भी करना किसी को भी नहीं लगता यार। एज लिमिट है दोस्तों स्टेनो सेकंड और फायरमैन के लिए 18 से 27 साल, मतलब 18 टू 27 ईयर, और बाकी सभी पोस्टों के लिए 18 से 25 साल, 18 टू 25 ईयर। 3 साल की छूट है, 3 ईयर रिलैक्सेशन मिल रही है ओबीसी को, 5 साल की एससी एसटी को, 10 साल की जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी लास्ट डेट है विद इन 30 डेज, आप इसको जल्दी से सेंड कर दीजिए। इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट है 19/5/2017, मतलब 19 के बाद 30 दिन और लगा लीजिए जब तक आपको ये सेंड करना है, ठीक है। तो वुमेन इंप्लाई फुलफिलिंग रिक्वायर्ड अप्लाइंग ऑफ द एब्लो पोस्ट अलाउड अवेलेबल बेनिफिट, अरे वाह, वुमेन्स भी अप्लाई कर सकती हैं, चलिए ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कौन कौन सी पोस्ट है। आपको सैलरी बता दूं, 5200 से लेके 20200 तक आपकी सैलरी जाएगी, और 2400 रुपए आपकी ग्रेड पे लगेगी, ऑलमोस्ट सबके अंदर 1900 ग्रेड पे तो लगी जाएगी भैया। सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, स्टैनो, टेलर, कुक, धोबी, तो ये सारी पोस्टें हैं। इसके आगे इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, जैसे ये मैट्रिकुलेशन पास, बारहवीं पास, ग्रेजुएशन पास, जितनी भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं ये चीज बताने लगूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं जल्दी से कवर करूंगा इसको। एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने वो काम किया होना चाहिए, और जिसके पास भी आप अभी काम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो जल्दी से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लीजिए और कर दीजिए अप्लाई, ठीक है। तो इसकी क्वालिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑलमोस्ट 10वीं पास है सबके लिए, और 2-3 पोस्टें हैं जिसमें ग्रेजुएशन और 12th मांगी है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट मैट्रिकुलेशन ही है, ठीक है, और एक पोस्ट थी जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मांगा हुआ था। चलिए अब मैं उसका फॉर्म जो है वो आपको भर के दिखा देता हूं, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे। आपको ये फॉर्म ना A4 साइज में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से आप A4 साइज जो है फॉर्म डाउनलोड करके तो प्रिंट कर सकते हैं, और ये पूरी की पूरी PDF ही अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.samajaayakya.in, जल्दी से उसके ऊपर जाइए और ये पूरा का पूरा फॉर्म A4 साइज में भी डाउनलोड कीजिए, और ये PDF फाइल भी डाउनलोड कीजिए ज्यादा जानकारी के लिए, खुद पढ़ने के लिए। चलिए अब ये फॉर्म है कैसे भरना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ठीक है वो लिखिए, जैसे सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर, जिसके लिए भी, और कौन से यूनिट पे आप सेंड करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर से वही, अपने बड़े अक्षरों में नाम अपना लिखिए, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ 01/01/1996, 25 साल 9 महीने 2 दिन या जितने दिन के भी आप हो गए हो वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हाउस एड्रेस अपना जो है लिखिए, अगर आप रेंट हॉस्टल एड्रेस कहीं रह रहे हैं तो वो एड्रेस आएगा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में। 7 नंबर कॉलम में डॉक्यूमेंट का एड्रेस आएगा, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे एड्रेस होता है वो होता है आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट घर है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे टिक लगाइए और बताइए कौन सा है, एससी एसटी ओबीसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं 11वीं जो भी पास की है भैया बता दो, एक्सपीरियंस है तो वो भी बता दो। उसके बाद 11 नंबर कॉलम में ये कोई फिजिकल हैंडीकैप में आता है और जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो वो यहाँ पे बताए कितनी परसेंटेज है उसके साथ बताए तो अच्छी बात है। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो बताइए, कौन सी कंपनी, किस कंपनी में कितनी सैलरी, सारा कुछ बताइए अगर है तो। डोमिसाइल बताइए आपका कौन सी स्टेट का है और कितनी डेट है और क्या उसका नंबर है, और वेदर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉय एक्सचेंज, अगर पहले कहीं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक्सचेंज आपके पास नंबर वगैरह है तो यस कीजिए वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपने डेट लिखनी है और ये सिग्नेचर करने हैं, ये चीज आपने नहीं भरनी है दोस्तों, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये ऑफिस वाले भर के आपका एडमिट कार्ड जो है जब आना होगा तब भेजेंगे।
उसके बाद नीचे वाला जो फॉर्म है ये फॉर्मेट ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये भी आपने नहीं भरना है, जो एक्स सर्विसमैन है वहीं इस फॉर्म को भरेंगे, ये एफिडेविट है तो, और नीचे सिग्नेचर कर देंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और फॉर्म को सेंड करना मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, कुछ रह गया होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भैया पूछ लेना, रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, समझ आया क्या?